वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे जो ट्यूटोरियल 5 में दिया था आपको। ट्यूटोरियल 5 आपको याद होगा, ट्यूटोरियल 5 था ग्रुप क्वेरी इन एसक्यूएल पार्ट 1 पे। तो इस हॉलिडे होमवर्क को डिस्कस करने से पहले आप देख लें कि जो वीडियो 5 दिया था उसको एक बार आप जरूर देख लें, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं होमवर्क डिस्कशन से। इसमें आपको दो टेबल्स बना के दी थी, एक ये थी कस्टमर टेबल और एक ये थी ट्रांजेक्शन टेबल। इन दोनों पे हमने कुछ आपको क्वेरीज दी थी, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली क्वेरी है टू डिस्प्ले नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच सिटी। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि क्या ये ग्रुप क्वेरी है। ग्रुप क्वेरी को पहचानने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जनरली इसमें ग्रुप क्वेरी में इन ए ग्रुप क्वेरी टू वर्ड्स आर मोस्टली यूज्ड। पहला वर्ड आपको बताया था या तो ईच लगेगा अलोंग विद सम ग्रुप फंक्शन, यानी ईच लगा हो और कोई ग्रुप फंक्शन यूज हो रहा हो। जैसे यहां लिखा है टू डिस्प्ले नंबर ऑफ कस्टमर्स, मींस आपको काउंट करनी है इन ईच सिटी। या दूसरी चीज हो सकती है दूसरा लग सकता है वर्ड वाइज अलोंग विथ सम ग्रुप फंक्शन। तो इसके अलावा ये पहली क्वेरी आपकी ज्वाइन क्वेरी है, सॉरी ग्रुप क्वेरी है। तो इसको कैसे करेंगे, यहां पे मैं सोल्यूशन बता देता हूं आपको। पहली क्वेरी का सोल्यूशन हो जाएगा सेलेक्ट ई सिटी है तो सिटी कॉमा काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी किस टेबल में, कस्टमर टेबल में। तो सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, इसमें सिटी का कॉलम का नाम है कस्ट सिटी, तो ये हो जाएगा कस्ट सिटी काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर सी कॉमा, सिर्फ कस्टमर सी हो जाएगा, ग्रुप बाय, इसमें वेयर कंडीशन है नहीं तो सीधे लिखेंगे ग्रुप बाय कस्ट सिटी। तो आपको बताया था कि जिस कॉलम पे ग्रुपिंग करनी होती है वो कैसे पता चलता है, जनरली वो कॉलम ईच के बाद लिखा होता है। तो ईच के बाद जो कॉलम लिखा हो इसका मतलब उस पर ग्रुपिंग करनी है। तो सेलेक्ट में उस कॉलम का नाम लिखते हैं और कौन सा ग्रुप फंक्शन लगा रहे हैं आप। फ्रॉम के बाद टेबल का नाम सी लिखने की जरूरत नहीं, वो जॉइनिंग में यूज होता है। ग्रुप बाय कस्ट सिटी, ग्रुप बाय के बाद उसी कॉलम का नाम आता है जो सेलेक्ट कमांड में लिखते हैं। सेकंड क्वेरी डिस्प्ले टोटल अमाउंट क्रेडिटेड एंड डेबिटेड। अब देखिए कभी कभी एग्जामिनर ऐसी ट्रिक भी खेलता है जिसमें ईच वर्ड या वाइज वर्ड नहीं लगा है, लेकिन तब भी वो ग्रुप क्वेरी होती है। रीजन टोटल अमाउंट क्रेडिटेड एंड डेबिटेड, मींस टोटल अमाउंट आपको बताना है कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ और कितना डेबिट हुआ। तो आप ये देख लिया कीजिए अलग अलग बताना है या एक साथ बताना है। तो मानी बात है इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अलग अलग बताइए क्रेडिटेड एंड डेबिटेड, तो इसका मतलब ये भी सेपरेटली बताना है तो ये भी ग्रुप क्वेरी है। किस कॉलम पे ग्रुपिंग हो रही है, क्रेडिट डेबिट किस कॉलम की वैल्यू है, ट्रांजेक्शन टाइप कॉलम की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सेलेक्ट ट्रांजेक्शन टाइप फ्रॉम ट्रांजेक्शन ग्रुप बाय ट्रांजेक्शन टाइप कॉमा सम, सम करना है अमाउंट, कोई ग्रुप फंक्शन लगेगा, सम क्या करना है अमाउंट, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है क्वेरी में टोटल अमाउंट क्रेडिटेड एंड डेबिटेड। तो ये हो जाएगा सेलेक्ट ट्रांजेक्शन टाइप कॉमा सम अमाउंट फ्रॉम ट्रांजेक्शन ग्रुप बाय ट्रांजेक्शन टाइप। इसमें देखिए हमें ट्रांजेक्शन टाइप पे ग्रुपिंग करनी थी, सेलेक्ट के बाद उसी कॉलम का नाम लिखते हैं जिसपे ग्रुपिंग करनी है, फिर कोई ग्रुप फंक्शन यूज होता है, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम और फिर ग्रुप बाय के बाद वही कॉलम लिखते हैं जो आपने सेलेक्ट में लिखा हुआ है। थर्ड क्वेरी
डिस्प्ले नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ ईच टाइप, यानी आपको बताने हैं कि हर टाइप के ट्रांजेक्शन कितने हुए, मतलब क्रेडिट कितनी बार हुआ है और डेबिट कितनी बार हुआ है। तो अगर हम इसको मैनुअली देखें तो क्रेडिट हो रहा है 1, 2, 3, 4, 4 बार क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है 1 बार, तो यानी इसका आउटपुट आना चाहिए इस तरीके से। थर्ड क्वेरी का आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए कि लिख के आए क्रेडिट, उसके आगे लिख के आ जाए 4, फिर आ जाए डेबिट, उसके आगे लिख के आ जाए 1। इसका मतलब इस क्वेरी में भी सेलेक्ट ट्रांजेक्शन टाइप कॉमा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पता करने हैं तो काउंट स्ट्रिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन ग्रुप बाय ट्रांजेक्शन टाइप। ये जितनी भी हम लोग ने 3 क्वेरीज करी, इन तीनों क्वेरी में सिर्फ ग्रुप बाय यूज हुआ है, वेयर कंडीशन यूज नहीं हुई है। यहां पे क्रेडिट एंड डेबिट में सिर्फ 2 ही हो रहे थे, क्रेडिट डेबिट, तो इसलिए यहां पे हमें वेयर देने की जरूरत नहीं पड़ी सेकंड क्वेरी में। फोर्थ क्वेरी, डिस्प्ले टोटल ओपनिंग बैलेंस ऑफ न्यू दिल्ली एंड पटना। ओपनिंग बैलेंस कस्टमर टेबल में है, ये रहा ओपनिंग बैलेंस। आपको ओपनिंग बैलेंस का सम करके बताना है न्यू दिल्ली और पटना में, तो न्यू दिल्ली 2 जगह है तो 13,000 प्लस 10,000 यानी 23,000 इसका आंसर आ जाए, और पटना एक ही जगह तो 15,000 आ जाए। इसका आपको यहां भी देखिए इस क्वेरी में कहीं भी ईच या वाइज नहीं लगा, लेकिन तब भी ये ग्रुप क्वेरी है, रीजन इसका मतलब ही ये निकल रहा है कि आपको अलग अलग बताना है। तो डिस्प्ले टोटल ओपनिंग बैलेंस ऑफ न्यू दिल्ली एंड पटना, तो ये क्वेरी हो जाएगी सेलेक्ट ओपनिंग बैलेंस का कॉलम नंबर है ओपी ओपन बैलेंस ओपन अंडरस्कोर बैलेंस कॉमा ऑफ एक मिनट सिटी, तो सी हो जाएगा कस्ट सिटी, क्योंकि न्यू दिल्ली और पटना का बताना है तो कस्ट सिटी ऑफ सम करना है किसका, ओपनिंग बैलेंस का। फ्रॉम किस टेबल से करना है, कस्टमर, वेयर पहले आता है। आपको बताया था कि अगर वेयर और ग्रुप बाय एक साथ यूज हो रहा हो तो वेयर पहले आएगा, वेयर कस्ट सिटी इन, बहुत अच्छी क्वेरी है ये। इस क्वेरी में वेयर और ग्रुप बाय दोनों यूज हो रहा है तो वेयर पहले आता है ग्रुप बाय का, तो वेयर कस्ट सिटी इन न्यू दिल्ली कॉमा पटना। इन क्यों कब यूज करते हैं, जब हमें और यूज करना होता है, तो वेयर कस्ट सिटी इज इन न्यू दिल्ली कॉमा पटना, फिर लिख देंगे ग्रुप बाय कस्ट सिटी। ओके क्लियर। चलिए फिर देखते हैं फिफ्थ क्वेरी क्या है। टू डिस्प्ले नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस मेड बाय ईच कस्टमर फ्रॉम टेबल ट्रांजेक्शन। अगर आप टेबल ट्रांजेक्शन को देखें ध्यान से तो इस टेबल में हर कस्टमर ने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, तो कस्टमर कैसे पता चलेगा, अकाउंट नंबर से। अकाउंट नंबर से हमें पता चलेगा कि कस्टमर कौन है। तो यहां पे क्वेश्चन में भी लिखा है यूज अकाउंट नंबर फॉर द सेम। इसका मतलब इसका आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए, एक तरफ आना चाहिए ACCNO और दूसरी तरफ आना चाहिए काउंट एस्ट्रिक। अब पहला कस्टमर है यहां पे 2301003 टू 2301003। अब इसने 3 बार ट्रांजेक्शन किया है, 2301002 इसने 1 बार ट्रांजेक्शन किया है, 2301001 इसने 1 बार ट्रांजेक्शन किया है। तो इस क्वेरी को कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट ACC_NO कॉमा काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम ट्रांजेक्शन ग्रुप बाय ACC_NO। तो आपने देखा कि हमने अकाउंट नंबर का यूज करके ये बता दिया कि हर कस्टमर ने कितनी बार ट्रांजेक्शन किया है। क्लियर।
स्टूडेंट सब लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रुप क्वेरी इन एसक्यूएल पार्ट टू, जिसमें आपको और चीजें बताएंगे कि ग्रुप क्वेरी क्या एक से ज्यादा कॉलम्स में कर सकते हैं, हैविंग क्लॉज कैसे यूज करते हैं, वेयर और हैविंग में डिफरेंस क्या है, क्या ग्रुप क्वेरी ज्वाइन क्वेरी के साथ यूज हो सकती है। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।